राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का जो दिव्य प्रयोग बताने आया हूँ मैं आपको, ये प्रयोग आपके ऊपर यदि किसी ने कोई ऊपरी बाधा कर दी है, किसी ने कोई क्रिया करवा दी है, किसी ने कोई तंत्र मंत्र टोटका कुछ भी करवा दिया, किसी भी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करा दी है, उसके प्रकोप से आप बच जाएंगे। आपके ऊपर यदि आपके किसी के परिवार के ऊपर, आपके मित्र के ऊपर, आपके जानने वाले किसी के भी ऊपर करा दिए, क्योंकि आजकल जलने वालों की कोई कमी नहीं है। वो चाहते हैं कैसे भी मेरा दुश्मन परास्त हो जाए, तो उसके लिए तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इधर उधर से जाने क्या क्या करवाते हैं। और एक बार आपके ऊपर यदि क्रिया हो गई सच में, तो आपका जीवन बहुत ज्यादा बिल्कुल मतलब समझिए आपका शरीर ढीला ढीला रहने लगेगा, आपके मन में बेचैनी रहने लगेगी, आपको तरह तरह के रोग लगने लगेंगे, आपका शरीर गिरने लग जाएगा, आपको भांति भांति के सपने आने लगेंगे, आपको परछाइयां दिखने लग जाएंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा यदि आपके घर में किसी के साथ हो रहा हो, किसी ने यदि कुछ करा दिया आपको ऐसा लगता हो, यदि परिवार में, मित्र में, जानने वालों में, तो आज का मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को आप करिए, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, धीमे धीमे ये संकट दूर हो जाएगा। तो संकट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा संकट है ये भी, जिसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर बीती, वही इस कष्ट को समझ सकता है। इसलिए आज का मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और बहुत ही प्रेम से करिए और श्रद्धापूर्वक करिए, क्योंकि विश्वास हो फलदायक है। मैंने बार बार बोला है, जहाँ विश्वास होता है वो फल की प्राप्ति अवश्य होती है, बिना विश्वास के फल की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए, उपाय तो मैं बताना है, उपाय तो आपको करना ही है, पर अपनी जिस व्यक्ति के ऊपर भी ऐसी क्रिया कुछ है, तो वो अपनी व्यक्ति पहले अपनी कुंडली अवश्य दिखवा ले एक बार। एक कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह दोष बन रहे हैं जिसके कारण ऐसा उसके साथ हो रहा है, ये भी बहुत आवश्यक है। पहले अपनी कुंडली एनालाइज करवा लीजिए। कुंडली के लिए मैंने बहरा बताया कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे आप व्हाट्सअप करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब देखिए करना क्या, आप प्रयोग ध्यान से सुनिए। लहसुन का रस लेना है, जिस किसी भी व्यक्ति की दिक्कत हो लहसुन का रस ले लीजिए और उसमें हींग को घोल लीजिए, ठीक है। लहसुन का रस निकाल लीजिए और उसमें हींग को घोल लीजिए, और जिस किसी भी व्यक्ति को ऐसी परेशानी, ऐसी दिक्कत, ऐसा प्रकोप है जिस व्यक्ति के ऊपर, उसको सुंघाइए। लहसुन का रस, उसमें हींग घोलिए अच्छे से, उसका उस व्यक्ति को सुंघाइए, डेली नियम से सुंघाइए। आप धीमे धीमे देखेंगे, हफ्ते 10 दिन के अंदर धीमे धीमे उसके ऊपर जो भी ये प्रकोप होगा धीमे धीमे दूर होता चला जाएगा और बाद में जाकर के पूर्ण रूप में वो स्वस्थ हो जाएगा। लहसुन का रस में अगर शुद्ध हींग मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि हींगे भी आजकल बहुत मिलावटी आ रही है। शुद्ध हींग मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की जो हींग होती है वो हींग मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा। उसमें बढ़िया मिलाइए और उस व्यक्ति को डेली सुनाइए, आप देखिए सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारे यहाँ से सर्व बाधा निवारण यंत्र और बगला मुखी यंत्र, ये दो यंत्र मंगा करके अवश्य स्थापित कर लीजिए घर में। जिस घर में बगला मुखी यंत्र रहता है और सर्व बाधा निवारण यंत्र रहता है, उस घर में चीजें फटक ही नहीं सकती, नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती, होगी बगला मुखी यंत्र तो आप जानती, बगला मुखी देवी तंत्रिक देवी है, सारी तांत्रिक ऊर्जा दूर हो जाती है उनसे, कोई भी गलत प्रकार की आपके यहाँ नेगेटिविटी होगी सारी दूर हो जाएगी। और सर्व बाधा निवारण तो आपके घर की, आपकी, आपके शरीर की सारी बाधाओं को दूर कर देगा। इसलिए दो यंत्र आपके अवस्था स्थापित करिए जो आपको हमारे यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, तो प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और शुद्ध होंगे। ये उपाय करिए, कुंडली अपनी अवश्य दिखाइए जिस किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे तुरंत बताइए, मैं आपको अवश्य उसका समाधान दूंगा। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी फैमिली मेंबर के सदस्य हैं, आपका मेरा दिल का संबंध है, प्रेम का संबंध है, निस्वार्थ भाव का संबंध है। आधी रात को भी प्रॉब्लम हो तुरंत कॉल करिए, मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगा। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।